दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि सैनिटरी पैड प्लास्टिक से बना होता है, जिसके वजह से डीकम्पोस्ट होने में 500 से 800 साल लगता है। और अगर गवर्नमेंट सर्वे की माने तो एक महीने में देश में 1 बिलियन पैड्स यूज होता है, मतलब साल का 12 बिलियन सैनिटरी पैड्स। अब इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए इंडिया के कोलकाता के माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट ने एरिका हस्क, जो कि एक नेचुरल हस्क होता है, उसका यूज करके एक ऐसा सैनिटरी पैड बना रहे हैं जो इको फ्रेंडली है, और इस पैड में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी हैं। इस टेक्निक का यूज करके ये माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट ना ही सिर्फ पैड्स बना रहे हैं, बल्कि इको फ्रेंडली डायपर और नैपकिन भी बना रहे हैं।